छात्रावस्था में काम वासनाओं से कैसे बचे। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि छात्रावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये स्थिति में हमारे माता पिता, हमारे अपने और हमारे आसपास अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जो दो तीन चीज़ें प्रत्येक छात्र को अपने जीवन में करना चाहिए। एक तो ये है कि प्रत्येक छात्र के जीवन में नियमित पूजा ज़रूर होनी चाहिए, और हर छात्र को मैं तो कहता हूँ हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की, हनुमान जी को साधो भैया। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता हैं, और बालकों को, बालिकाओं को एजुकेशन में उसी की ज़रूरत है। दूसरा, एकांत से बचें। तीसरा, ऐसे मित्रों का संग न करें जिनकी आदतें ठीक ना हों। अच्छा साहित्य पढ़ें, अपनी डायरी अच्छी लिखें, डायरी में बड़े बड़े सपने लिखें। आपका जो होमवर्क है उसको पहले करने का प्रयास करें, और कोशिश करो कि अपने जीवन में, छात्र जीवन में भी कुछ गीता या इस तरह की चीज़ तुम पढ़ो, जिससे तुम्हारी पढ़ाई भी सुधरे, तुम्हारा जीवन भी सुधरे, और तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के ऐसी कोई अवस्था जिसमें काम वासना, विषय वासना, अन्य वासनाओं की स्थिति आती है, उससे तुम बच जाओ। और बचना आसान है, ध्यान रखना हम रास्ते से निकल रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, अगर हम गंदगी की तरफ देखेंगे तो हमें देख के अच्छा भी नहीं लगेगा और स्मेल भी आएगी, भले कितनी दूर हो फील होता है। जब हम गंदगी से दूर रहेंगे ना तो हमें दिखेगी ना स्मेल आएगी। बस छोटा सा उदाहरण मैंने दे दिया, कोशिश करोगे तो निश्चित जीत होगी, और जीत होती है। और हनुमान चालीसा का जो है अपने जीवन में ऐसा रख लो कि जब भी ऐसा लगे कि हमारा मन भटक रहा है, श्री हनुमान जी का ध्यान करें, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, बड़ा आनंद होगा। गोविंद कल्याण करें।